प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का तरुण स्कूल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजनीति विज्ञान क्लास 12, जिसमें राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं पहली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इस पहली यूनिट के अंदर बोर्ड के अंदर 10 नंबर के अंक पूछे जाते हैं। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक 4 नंबर का लघुत्तरात्मक और एक आता है 6 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। 4 और 6 जिसमें इस यूनिट के अंदर न्याय, शक्ति, सत्ता, वेदता, धर्म, स्वतंत्रता और समानता, ये 4 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्याय। इन चारों में से सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे न्याय के बारे में। न्याय, न्याय क्या है, ये किस शब्द से बना है? न्याय को अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस। अब ये जस्टिस शब्द है जो लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से बना है। तो सबसे पहले हम इस न्याय की डेफिनेशन, परिभाषा यानी न्याय से क्या अभिप्राय के बारे में जानेंगे। न्याय अब क्यों देखा जाए, ये अवधारणा का विषय है। यानी अपन पहले क्या पढ़े, राजनीति विज्ञान की मूल या प्रमुख अवधारणाएं पढ़ते हैं। अवधारणा किसे कहते हैं? अब इस न्याय को परिभाषित करने से पहले एक शब्द हमारे सामने है, अवधारणा। अवधारणा को विचारधारा कहते हैं। यानी अवधारणा की परिभाषा क्या है कि किसी एक विषय पर अलग अलग लोगों के विचारों की जो श्रृंखला होती है वो अवधारणा कहलाती है। हमारे सामने विषय है न्याय। कौन सा विषय है? न्याय। अब न्याय विषय पर पाश्चात्य और भारतीय विचारकों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब कुछ लोगों ने कहा है, यानी सीधा इसका अर्थ देखें अपन, तो न्याय क्या है? एक सीधी परिभाषा जो उचित है, जो उचित है उसको बढ़ावा देना एवं या और अनुचित को नकारना न्याय कहलाता है। यानी एक सीधी परिभाषा ये निकल करके आई है कि जो उचित है उनको तो हमें बढ़ावा देना चाहिए और जो अनुचित है उसको नकारना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए, ये न्याय कहलाता है। बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना और अनुचित को नकारना या प्रोत्साहित करना न्याय कहलाता है। अब देखो, एक विषय न्याय है, अलग अलग विचार गए, पाश्चात्य विचार गए, भारतीय विचार गए, तो सभी व्यक्ति अपने अपने विचारों, अपने अपने विचार के हिसाब से इनको अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। तो इस पाठ के अंदर, इस यूनिट में सबसे पहले न्याय में कुछ पाश्चात्य विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय विचारकों ने न्याय को किस ढंग से परिभाषित किया उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इनको प्राचीन काल में, प्राचीन काल में न्याय को किस रूप में परिभाषित किया गया था, प्राचीन विचार कौन कौन से थे, फिर मध्यकाल और फिर आज वर्तमान यानी आधुनिक काल में इसको किस रूप में देखा जाता है। तो सबसे पहले हम प्राचीन काल की बात करते हैं और प्राचीन काल में सबसे पहले न्याय शब्द को पाश्चात्य विचार या राजनीतिक विचार जिसने सबसे पहले परिभाषित करने का प्रयास किया था, प्लेटो ने किया था। किसने किया था? प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने न्याय की एक परिभाषा दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्म करना एवं दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना ही
न्याय है। प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी थी, प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार कार्य करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में आवश्यक हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। अब जब कोई भी व्यक्ति दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो क्या होगा कि उसकी जो स्वतंत्रता है वो छीनी जाएगी। अब सबसे पहले न्याय के मूल में क्या है, इस परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं ये जो न्याय है इस न्याय का आधार क्या है, इसके मूल में क्या है। जैसे अपने डायग्राम बना लेते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ये जैसे न्याय है तो न्याय के मूल तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं बंधुत्व या भाईचारा। बंधुत्व और भाईचारा है उसके होने की वजह से समानता स्थापित होती है। समानता, जब भाईचारे की भावना है, समानता है तो स्वतंत्रता मिलेगी। भाईचारे की भावना है, समानता है, स्वतंत्रता है तो हमें न्याय रूपी फल मिलेगा। तो न्याय के लिए यह होना जरूरी है, स्वतंत्रता जरूरी है, समानता जरूरी है और बंधुत्व या भाईचारे की भावना जरूरी है। अगर स्वतंत्रता या समानता या भाईचारे की भावना का अभाव है वह न्याय नहीं है। तो न्याय के लिए इनका होना जरूरी है। अब इसको जैसे उदाहरण के रूप में ये बंधुत्व और भाईचारा है, ये बीज है, ये उदाहरण समझे कि जैसे किसी पौधे के लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है, बीज होना जरूरी है। तो भाईचारा या बंधुत्व बीज है, समानता पौधा है और पौधे में तो लगने वाला फल है स्वतंत्रता, सॉरी फूल है स्वतंत्रता और फूल के बाद में जो फल बनता है वो है न्याय। तो न्याय रूपी फल चखने के लिए भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता इन तीनों का होना जरूरी है। इन तीनों में से किसी एक का अगर अभाव है तो न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये तो मूल हो गए, इसके मूल तत्व हो गए न्याय के। अब हम समझते हैं इनका मूल आधार क्या है। यानी न्याय को स्थापित करने के लिए किनका होना जरूरी है, न्याय का मूल आधार है कानून। कानून नहीं है तो न्याय की कल्पना नहीं की जा सकते हैं। यानी न्याय कानून पर टिका हुआ है, तो दोनों में घनिष्ठ संबंध है। यानी न्याय और कानून दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। एक कानून के बिना न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे उदाहरण के रूप में एक वकील किसी निर्दोष व्यक्ति का केस झगड़ता है तो वो कानून का साथ लेता है, इस कानून के द्वारा ही निर्दोष व्यक्ति को वो न्याय दिलाता है और जो दोषी है उनको सजा दिलाता है। तो इसलिए कानून है वो न्याय का क्या है, आधार है। अब हम इनकी परिभाषा की बात करें, जो उचित है उनको बढ़ावा देना, अनुचित को नकारना या प्रसर करना न्याय कहलाता है। और प्लेटो ने जैसे नहीं करना ही न्याय है। अब इस परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्म का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति जो काम करने में सक्षम है, योग्य है, उनके पास में अनुभव है, उस व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से जो कार्य करने में सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए। इस परिभाषा के आधार पर मैं उदाहरण देता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्म करना चाहिए। और एक है वकील, डॉक्टर का क्या कार्य है, मरीज का इलाज करना। मरीज का इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है। और वकील पेड़ भी करता है। अब निर्दिष्ट क्रम में डॉक्टर को काम सौंपा गया है क्या, मरीज का इलाज करना, और वकील का काम है पेड़ भी करना। अगर दूसरों के कार्य में ये हस्तक्षेप करेंगे, अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे, यानी वकील का काम डॉक्टर करेगा और डॉक्टर का काम वकील करेगा, तो ऐसी स्थिति में न्याय की संभावना नहीं है, व्यक्ति को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जैसे वकील मरीज का इलाज करेगा तो उस मरीज की जान भी जा
सकती है और डॉक्टर किसी पे मुजरिम की पेर भी करेगा, निर्दोष व्यक्ति की पेर भी करेगा तो उनको निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल सकती है, दोषी व्यक्ति बरी हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना मतलब अनावश्यक रूप से किसी दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह है न्याय। अब देखो पाश्चात्य जगत में पाश्चात्य विचारकों ने इस न्याय को अलग अलग ढंग से अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें से कुछ परिभाषाएं मैं आपको बताता हूं। जैसे इसके परंपरागत कुछ सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है न्याय का परंपरागत सिद्धांत, यानी प्लेटो के समय पाश्चात्य विचार पाश्चात्य जगत में कुछ सिद्धांत चल रहे थे, जिससे पहला सिद्धांत था परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार न्याय की क्या परिभाषा थी कि जैसे मित्रों की भलाई करना और शत्रुओं की बुराई करना ही न्याय है, जैसे मित्रों की भलाई एवं शत्रुओं की बुराई करना ही न्याय है। लेकिन यह परिपूर्ण परिभाषा नहीं है, न्याय क्या सीमित नहीं है कि खाली मित्रों का भला होना चाहिए और शत्रुओं का बुरा होना चाहिए, तो क्या शत्रुओं को न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यह परंपरागत न्याय का जो परंपरागत सिद्धांत है वो न्याय को सही ढंग से परिपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता है, इसलिए काफी विचारकों ने इसकी आलोचना भी की थी। अब दूसरा सिद्धांत है उग्रवादी सिद्धांत। उग्रवादी सिद्धांत इसमें क्या है कि उग्र शब्द का मतलब होता है तेज बलशाली, यानी इसके अंदर कुछ विचारकों ने इस उग्रवादी सिद्धांत के बारे में यह भी कहा था कि शक्तिशाली का हित संवर्धन होता है, यानी न्याय केवल शक्तिशालियों को मिलना चाहिए, यानी कमजोर व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। तो यह भी एक परिपूर्ण परिभाषा नहीं है, इनकी भी काफी आलोचकों विचारकों ने आलोचना भी की थी। अब इसमें देखो और परंपरागत सिद्धांत में ऋणदाता का ऋण चुकाना ही न्याय है, यह भी बात कही थी। अब किससे कर्ज लिया है उनको कर्ज वापस चुका दिया तो न्याय, कुछ लोगों ने कुछ जाकर रखा गया ऋणदाता से लिया गया ऋण चुकाना ही न्याय कहलाता है, तो खाली ऋण उधार लिया वापस दे दिया ये न्याय की बात नहीं है। तो ये परंपरागत सिद्धांत के अंदर उग्रवादी सिद्धांत और अगला जो तीसरा जो सिद्धांत था वो था न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत। तो इन परंपरागत सिद्धांतों के अंदर कुछ कमियों की वजह से इन सिद्धांतों की इन विचारकों की इन विचारकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं की भी आलोचना की गई थी। ये मैंने बड़े टॉपिक से अगले किससे समझाया था कि सबसे पहले हमें प्राचीन न्याय की परंपरा के बारे में समझना होगा, लेकिन हमें ट्वेल्थ के अंदर ये परंपरागत सिद्धांत उग्रवादी सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत की बात नहीं आई। अब अपन इस अपने क्लास 21 में जो न्याय है इसके ऊपर न्याय के प्रमुख दो विचार प्लेटो और अरस्तु ने जो न्याय से संबंधित जो अपने विचार रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं, कितने रूप बताए हैं? दो रूप। नंबर एक है व्यक्तिगत न्याय, नंबर एक है व्यक्तिगत न्याय और नंबर दो है सामाजिक न्याय। अब इसमें देखो व्यक्तिगत न्याय का मतलब होता है प्रत्येक
बार आएगी। अब इसमें देखो, प्लेटो ने मानव मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते ये बात कही थी। मानव आत्मा में प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि का अंश ज्यादा पाया जाता है, यानी शासक वर्ग में कौन होंगे जिसमें बुद्धि का अंश ज्यादा है। तो देखो, मानव की आत्मा में तीन तत्व तो पाए जाते हैं, जैसे ये बुद्धि है तो बुद्धि वर्ग के जो लोग हैं वो शासक वर्ग में होंगे या अभिभावक वर्ग में होंगे। दूसरा वर्ग बताया था सैनिक वर्ग, रक्षक वर्ग या सैनिक वर्ग, रक्षक वर्ग, इसमें शौर्य की भावना ज्यादा होती है। रक्षक या सैनिक वर्ग के अंदर शौर्य की अंश ज्यादा पाया जाता है। और तीसरा है उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग, इसमें तृष्णा के अंश ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्लेटो कहता है मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, वो न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। किसी में कम बुद्धि का कम है, सोई का ज्यादा है, किसी में तृष्णा का ज्यादा है, सोई का कम है, पाए तो तीनों जाते हैं लेकिन ये न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जो तत्व ज्यादा मात्रा में है वो व्यक्ति उस वर्ग का सदस्य बनेगा। अगर बुद्धि का अंश ज्यादा है करता है, साम्राज्य की रक्षा करता है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए में लगा।
और वस्तु के उत्पादन में इन वर्ग का किसानों का व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन तीनों वर्गों में सामंजस्य होना जरूरी है। तीनों में सामंजस्य होगा उस राज्य में न्याय नीत होगा, और इन तीनों वर्गों में अगर सामंजस्य तालमेल का अभाव है तो वह न्याय नहीं होता। इसलिए संत ऑगस्टाइन ने कहा भी था कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है, न्याय मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं है, उन राज्यों में चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। यानी जहां न्याय नहीं है ना, वहां क्या है, ज्यादातर लुटेरे डाकू ये वहां राज करते हैं, शासन करते हैं, उनका बोलबाला रहता है, उनका झुंड रहता है। तो यह सब अवश्य ने इसीलिए कहा था कि तीनों वर्गो में सामंजस्य का होना जरूरी है। सामंजस्य की वजह से वहां न्याय होता है, हमेशा शांति के माहौल में विकास होता है, न्याय मिलता है। इनमें शांति कहाँ होती है, सामंजस्य जहाँ होता है प्रत्येक वर्ग के बीच में। तो इस प्रकार प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार में व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय, मानव आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो ने कहा था तृष्णा, बुद्धि, शौर्य, और इन तीनों तत्वों के आधार पर तीन वर्ग की बात उन्होंने कही थी। पहला शास्त्र वर्ग, प्रेक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अलग अलग बुद्धि का जो अंश न्यूनतम मात्रा में जैसा पाया जाता है उनके अनुसार ही वो अपना कार्य करता है। तो ये तो होगी प्लेटो के द्वारा न्याय पर दिए गए विचार। अब अगला हम पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा, अब न्याय के बारे में अरस्तु ने क्या कहा, देखो अरस्तु ने न्याय की परिभाषा दी, जो उचित है, जो विधिक है वही न्याय है। जो उचित वह विधिक, अरस्तु का जो उचित है, जो विधिक है वही न्याय है। विधि का मतलब कानून के अनुसार है, हमेशा कानून अनुसार संविधान के अनुसार जो बातें होती है हमेशा उचित होती है। उन्होंने कहा जो उचित है, जो विधिक है वह क्या है, न्याय है। अरस्तु ने न्याय को दो रूपों में बांटा है, यानी अरस्तु के अनुसार न्याय, अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप। एक उन्होंने कहा था वितरणात्मक न्याय, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, इनसे क्या अभिप्राय है? वितरणात्मक न्याय का मतलब है वस्तुओं का वितरण व्यक्ति की योग्यता और किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति का राज्य के योगदान के अनुसार उनको वस्तु मिलनी चाहिए। यानी वस्तु का वितरण व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप में होना चाहिए, यह वितरणात्मक न्याय है। जैसे उदाहरण के रूप में, यानी समानुपातिक न्याय इसको कहते हैं। जैसे अपने क्लास को उदाहरण देते हैं, कि जैसे क्लास में बच्चों का टेस्ट दिया जाता है, तो इसमें अपन अंकों का वितरण करते हैं। जिस बच्चे ने जितना लिखा है उनको उस हिसाब से अपन अंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का टेस्ट दिया, सभी बच्चों को समान अंक दे दिए। एक ने 10 नंबर का जैसे टेस्ट लिया, 10 के 10% सही किए, 10 में से 10 आने चाहिए। एक वो बच्चा जिन्होंने 10% के 10% गलत किए, उनको भी अगर अपन 10 में से 10 दे देंगे, ये नहीं उचित नहीं, वो न्याय नहीं। तो वितरणात्मक न्याय में व्यक्ति को वितरण के समय उनकी योग्यता और योगदान
सुधारात्मक न्याय में क्या होता है, दूसरे व्यक्तियों किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की हनन होता है तो उनकी रोकथाम पर बल देने की बात सुधारात्मक न्याय कहलाता है। यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो ऐसी स्थिति में उनके हनन को रोकना सुधारात्मक न्याय कहलाता है। यानी जैसे उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करता है, स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन रहा है। तो सुधारात्मक न्याय दूसरों के अधिकार को हनन की रोकथाम पर बल देता है और विकरणात्मक न्याय व्यक्ति को किसी चीज वस्तु का वितरण करते समय उनकी योग्यता और योगदान के अनुरूप में वितरण होना चाहिए, यह वितरणात्मक न्याय कहलाता है। अब इससे आगे मध्यकालीन न्याय के विचारकों ने न्याय की क्या क्या परिभाषाएं दी है, कौन कौन से विचार गए उनके बारे में अपन अगले सेशन अगली क्लास में अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज अपन ने जो पढ़ा है न्याय क्या है, न्याय के न्याय की अलग अलग युक्तियों ने जो दी गई परिभाषाएं है वो क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, व्यक्तिगत न्याय क्या है, इन सभी और अरस्तु और प्लेटो की न्याय की परिभाषा क्या है, इन सबको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अब फिर मिलेंगे, धन्यवाद।